दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर कि 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दोस्तों और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो लेंस और एक लो लाइट सेंसर आपको प्रोवाइड यहां पर किया गया है। दोस्तों बात करें सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी आपको यहां पर 8 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। और बात करें दोस्तों कुछ फीचर्स की, तो बैक कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें कि 2K वीडियो और 1080p तक का आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 2K दोस्तों उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो पोर्ट्रेट मोड दोस्तों आपको प्रोवाइड है, ब्यूटी मोड आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, AI मोड है दोस्तों और सुपर नाइट मोड, और आपको यहाँ पर स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 1080p और 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसमें भी आपको 2K की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड और बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए चलते हैं और इसके सैंपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप ये फर्स्ट सैंपल देखोगे, जो कि मैंने यहाँ पर नॉर्मली क्लिक किया था, तो इसमें जो आप ब्राइटनेस देखोगे फ़ोटो की, वो हल्की सी ज़्यादा है, हल्की सी क्या दोस्तों ज़्यादा ही है, और सैचुरेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों AI मोड की, तो AI मोड आपको यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नॉर्मल मोड से अच्छा है। AI मोड का आप यूज़ करके काफ़ी अच्छी यहाँ पर पिक्चर्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों इंडोर में अगर आप यहां पर शॉट लोगे, तो तब भी आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे, और इन्फिनिक्स ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया अपने कैमरे के ऊपर, और कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्रो शॉट भी दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का लेंस है, तो दोस्तों क्लियरिटी के लिए उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन दोस्तों कलर्स कूलर्स में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ह्यूमन शॉट की, तो इस बार इन्फिनिक्स ने दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं जो कलर्स है, मेरे स्किन टोन्स है दोस्तों, या फिर मेरी शर्ट का कलर है, वो यहाँ पर परफेक्ट निकल कर आया है। हल्की सी दोस्तों ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन नो डाउट दोस्तों प्राइस भी उस हिसाब से फ़ोन का अच्छा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। तो पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों जब आप फोटो लोगे, तो कुछ इस तरीके के आपको सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे। एज डिटेक्शन दोस्तों कई बार यहाँ पर फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम दोस्तों आपको रिज़ल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी फ़ोटो की, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी वाइटनेस और थोड़ा सैचुरेशन हाई है इस फ़ोन में, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर कई सारे फ़िल्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट लोगे सेल्फ़ी में, तो वो मुझे लगता है कि नॉर्मल मोड से अच्छा निकल कर आता है। हाँ वो दोस्तों थोड़ी बहुत एज डिटेक्शन में यहाँ पर दिक्कत आपको दिख रही होगी मेरे बालों में, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ये वर्क कर लेता है। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर बैक कैमरे से 1080p एट 30fps पे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सैचुरेशन लेवल है वीडियो का हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन जो कलर और बाकी आप क्लियरिटी की बात करो, वो यहाँ पर बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्लो मोशन के ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। तो आपको दोस्तों एक बार मैं यहाँ पर फोकस टेस्ट इसका करा देता हूँ, तो फोकस आप दोस्तों देख सकते हैं कि हल्का सा मुझे लग रहा है कि हल्का सा दोस्तों 1 सेकंड से भी कम यहाँ पर टाइम लेता है फोकस लेने में। और कलर्स वगैरह दोस्तों आपको ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। और फोकस ये दोस्तों जो कि हल्का सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल दोस्तों करता है कैमरा, लेकिन ये देखिए दोस्तों आप हल्का सा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, तो दोस्तों बाकी सब कुछ ठीक है। इसमें दोस्तों आपको सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में सुपर नाइट मोड से मैंने फ़ोटो क्लिक की है, और काफ़ी अच्छे से दोस्तों इस फ़ोन ने यहाँ पर फ़ोटो निकाली है। तो दोस्तों 10,000 रुपये में 6GB 64GB आप बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए।